फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय फ्रेंड्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। चलिए मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। वो है पेटल्स ऑफ ट्रू लव, मतलब पंखुड़ियां सच्चे प्यार की। ये व्लॉग मैंने उन लड़कों के लिए और उन लड़कियों के लिए बनाया जो बेचारे समझ नहीं पाते कि वो पर्सन जिससे वो प्यार करते हैं वो आपसे सच्चा प्यार करता है या उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हैं, या वो टाइम पास कर रहा है, या वो उसका फेक लव है, झूठा प्यार है उसका। तो ऑब्जर्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है टाइम। आपको उससे कभी भी समय मांगना नहीं पड़ेगा, वो आपको खुद से देगा, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। जब आपको जरूरत है उस पर्सन की तो वो आपके लिए होगा, और अगर वो नहीं है, कभी कभार इज डिफरेंटिंग, अगर वो कभी कभार बिजी हो सकता है, ठीक है, बट वो अगर हमेशा ऐसा कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो रॉन्ग पर्सन है आपके लिए, वो सही पर्सन नहीं है आपके लिए, वो आपसे उतना प्यार नहीं करता जितना आप करते हैं, जितना आप अटैच है वो नहीं है। दूसरी थिंग है केयर। केयर बोलने से नहीं होती फ्रेंड्स, बोलने के लिए तो बहुत सारे पर्सन है प्यार करता हूँ, केयर करता हूँ, ऐसा नहीं होता। प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप, ताकि आप समझ सकें। आपने बहुत दिन हो गए फोन नहीं किया उस पर्सन को, तो उस पर्सन की तरफ से फोन आ जाएगा कि हाँ आप ठीक हो, आपने कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, क्या बात हो गई। और अगर नहीं आ रहा तो आप समझ जाइए कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो रॉन्ग पर्सन है आपके लिए, समझ रहे हैं। रिस्पेक्ट, जितनी आप रिस्पेक्ट करते हैं उतनी वो भी रिस्पेक्ट करेगा आपकी। अटेंशन, आपको अटेंशन देगा, स्पेशल फील करवाएगा, और आपका और उसके रिलेशन में काइंडनेस होगी, क्रुएलिटी नहीं होगी, समझ रहे हैं। मतलब आप दोनों का नेचर फ्रेंडशिप, बेसिकली कह लीजिए आपका, आप दोनों का रिलेशनशिप जो होगा वो फ्रेंडशिप वाला होगा, बॉन्ड होगा उसमें बहुत अच्छा। और अगर नहीं है तो एक और बड़ा रीजन है, जो मेन रीजन है सेकंड। ये सारे एक ही के पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाया, टाइम, केयर, रिस्पेक्ट, अटेंशन, काइंडनेस, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड पॉइंट बताती हूँ फ्रेंड्स। वो आपको फ्यूचर की श्योरिटी देगा, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं ये, बेसिकली वो आपको फ्यूचर की श्योरिटी देगा। वो अपने कैसे देगा, वो आपको अपने फैमिली मेम्बर से मिलवाएगा, या फैमिली मेम्बर से बात करवाएगा, या मैरिज की बात करेगा कि हाँ मैं आपसे मैरिज करना चाहता हूँ। और अगर वो ऐसा पर्सन नहीं कर रहा तो वो ट्रू लव नहीं है आपका, वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है, या वो बस पैसों के पीछे आपके साथ है, या कुछ और रीजन है, वो आप ही समझ पाएंगे कि वो क्यों है आपके साथ, ठीक है। तीसरी थिंग, ये पेटल्स हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे, आपको समझने पड़ेंगे, ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप खुद फंस जाएंगे एक ऐसे पर्सन के जो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, ठीक है। मैं आपको थर्ड रीजन बताती हूँ। जैसा आपका नेचर है, ठीक है, लाइक आपका नेचर मूडी है या मेसी है, आप मेसी बेसिकली थोड़े ऐसे सामान फैला के रखते हैं, या यू नो डिफिकल्टी होती है आपको वर्क करने में, तो वो आपको वैसे ही अपनाएगा। अगर वो आपको वैसे नहीं अपना रहा, बिकॉज प्यार यहाँ से नहीं होता, प्यार दिल से होता है, समझ रहे हैं। प्यार जो चीज़ यहाँ से हो रही है ना, वो प्यार नहीं है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ जो मैं आपको इस में एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपका नेचर कभी नहीं बदलेगा, वो आपको वैसे ही अपनाएगा जैसे आप हो, वो आपको कभी चेंज नहीं करना चाहेगा। अगर वो अपने प्रिंसिपल्स, अपनी नीड्स के हिसाब से आपको बदलता है तो ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, ही इज द रॉन्ग पर्सन फॉर यू, ओके फ्रेंड, ही और शी जो भी है, जो भी आपको बदल रहा है। और फ्रेंड्स, जो चौथा रीजन है वो है एक्शंस और वर्ड्स। वर्ड्स में बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बोलने से तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं फ्रेंड, बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता बोलने से, उसके एक्शंस में देखना कि सच में आपसे प्यार करता है,
कैसे देख सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आपकी शादी हो गई है और वो हर बार अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, हर बार बोल रही हूँ मैं फ्रेंड्स, कभी कभार नहीं, हर बार अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप समझ जाइए कि वो रॉन्ग पर्सन है जिससे आपने मैरिज की। वो सिर्फ अपनी फैमिली को प्यार करता है, आपको प्यार नहीं करता। अगर वो आपको प्यार करता होता तो वो गलत और सही में फर्क जानता होता कि अगर आप गलत हो तो आपको बोलेगा गलत, अगर आपकी उसकी फैमिली गलत है तो उसकी फैमिली को वो बोलेगा। ये नहीं ना कि उसके लिए प्यार अलग है, आप अपनी वाइफ के लिए प्यार अलग है और अपनी फैमिली के प्यार अलग है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। प्यार तो एक ही जैसा होता है, चाहे आप फैमिली से करो, चाहे आप वाइफ से करो, चाहे आप किसी से भी करो। और फ्रेंड्स, जो ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लीज़ इसे ऑब्जर्व कीजिए, नहीं तो आप एक ऐसे पर्सन के चक्कर में फंस जाएंगे जो आपके साथ सिर्फ आपसे अपना मतलब निकलवाना चाहता है और कुछ नहीं। प्लीज़ मैं उन लड़कों के लिए और उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जिन उनकी हेल्प हो सके, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो है कि वो आपसे आपको खोने से डरेगा, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है तो वो आपको कैसे खो सकता है, समझ रहे हैं? वो आपको लूज करना बिल्कुल नहीं चाहेगा, चाहे उसके लिए उसको बहुत सारे एफर्ट देने पड़े, और इतने एफर्ट आप भी दे रहे होगे बिकॉज आप भी तो डरोगे ना। ये थोड़ी होता है कि एक तरफ से प्यार होता है, दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से एफर्ट होते हैं, समझ रहे हैं? और जो है मेनली बेसिकली सोसाइटी का फियर नहीं रहेगा उस पर्सन को, उसको सोसाइटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो मर्जी करो, उसको सोसाइटी से कुछ लेना ही देना नहीं है। मेरा प्यार है भाई, मैं जानता हूँ, मुझे पता है वो अच्छी पर्सन है, मुझे क्या करना सोसाइटी से, सोसाइटी का तो काम ही है बोलना, वो तो अच्छे के लिए भी बोलती है बुरे के लिए भी बोलती है। ऐसे ऐसे ही सोच होगी उस पर्सन की अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है। अगर इन पॉइंट्स से, इन पेटल्स से आपकी कुछ हेल्प हुई है, इन साइंस से कुछ आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ और उन पर्सन की हेल्प करूँ जिन जो फंसे हुए हैं इन चीज़ों में। ओके, और टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप ऐसे मुझे प्यार देते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, बिकॉज आजकल की जनरेशन को इस वीडियो की बहुत नीड है जिनको नहीं समझ आता। ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन आप अगर प्रेस करेंगे तो आप मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दी है, इसलिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, और थैंक यू, बाय बाय।